alaikum My name is Said Wazir. In today's session, I will talk about references in essay, especially the competitive exams of CSS and PMS. Students, after evaluation, assessment, or checking of multiple scripts, I have come across one ubiquitous dilemma. One common dilemma, and this dilemma relates to either lack of giving references or giving references incorrectly or not in a proper way. Students, I have checked these scripts one by one, I am going to share with you. स्टूडेंट्स uh, अक्सर जब भी एस्परेंट्स या कैंडिडेट्स लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैंडिंग टू डॉन एकॉर्डिंग टू द न्यूज़ इंटरनेशनल एकॉर्डिंग टू दिस एकॉर्डिंग टू दैट लेकिन आप लोग यहाँ पे देख ले ये एक अथेंटिक बुक है स्टूडेंट्स यहाँ पे द द ऑफ दॉ दार टेरर द एनअल पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2010-11 or released on 2 june 2011 for the first time ever and a decade after 9-11 had a two-page special section entitled cost of war and terror for pakistan economy students if you is this source code is reference तो एक्जैक्टली exactly, आप इनके इन वर्ड्स के इन स्ट्रक्चर्स के स्मॉल और कैपिटल लेटर्स देख लें इनके डेट्स ले, देख लें और इनके स्पेशल एडिशंस देख लें ऑल आर गिवन इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर ये देखे स्टूडेंट्स फिर आगे इसने एक्सप्लेन किया ठीक है याट्स हम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेटिड दैट इन द डेकेड फ्राम टू थाउजेंड वन टू जून टू थाउजेंड एलेवन एज मैनी एज थर्टी फाइव थाउजेंड पाकिस्तानी सिविलियंस एंड थर्टी फाइव हंड्रेड पाकिस्तानी सिक्योरिटी मैन हैड बिन किल्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द वॉर ऑन टेरर स्टूडेंट्स कितना क्रिस्टल क्लियरली, एक्यूरेटली और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ मेथड के साथ एक मेथोडिकल अप्रोच के साथ इसने फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड किए फैक्ट्स एंड फिगर्स पंक्चुएशन का यूज़ देख लें स्टेटस्टिक्स का यूज़ देख लें फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें अपार्ट फ्रॉम फ्राम द ह्यूमन लाइव्स लास्ट देर वॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लें पॉइंट्स फॉर एस एंड करंट अफेयर्स जब आप किसी बुक को रीड करेंगे सी एस एस पी एम एस कम्पटेटिव स्टडीज़ के लिए तो स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे देख लें ह्यूमन लाइव लास्ट ऊपर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें अपार्ट फ्राम द ह्यूमन लाइव लास्ट ऊपर हमने ह्यूमन लाइव पे बात की अभी बाकी जो फार रीचिंग रिप्रकशन देख लें वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशन या हार्ट टू रिवर्स इफेक्ट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर वन देख रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ internal migration of millions of people from parts of northern western pakistan erosions of investment climate nose diving of production and growing unemployment above all brought economic activity to a virtual standstill yep students is five important points the five x small paragraph may इसने फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए टेरर के रिपरकशंस वार एन टेरर के रिपरकशन तो स्टूडेंट्स आप लोग जब भी बात करेंगे यहाँ पे देख लें ओथेंटिकली आप सोर्स को मेंशन करें सोर्स को आप लोग प्रोवाइड करें पब्लिकेशंस को आप लोग प्रोवाइड करें फिर एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें या पे स्टूडेंट्स अगेन देख लें in 2011 the economic survey stated that obviously continuity of war will continue to bleed the economy and society of pakistan that was 2011 and at that time of writing the war continues unabated without no sign of it coming to a halt स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैटेगोरिकली क्लिस्टर क्लिस्ट क्रिस्टल क्लियरली लि, साइंटिफिकली सोर्सेस को मेंशन करें इनके ओरिजन्स को आप मेंशन करें स्टेटस्टिक्स को आप बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स के साथ आप लोग प्रेजेंट करें स्टूडेंट्स अगर आप लोग एफ के एफ पी एस सी के रिपोर्ट्स आप लोग डाउनलोड कर लें तो आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ को लोकेट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ट नॉलेज The FPSC reports indicate that students lack in comprehensive and research based knowledge in their essays. They present they churn out they come up with run of the mill cheaply available and uncritical uncritical स्टफ नॉलेज मटेरियल और आर्ग्यूमेंट्स या पर स्टूडेंट्स इस परस्पेक्टिव में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा या पर ये देख लें डेमोक्रेसी मिलिट्री रोल एंड लोकल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे के लिए भी करंट अफेयर्स के लिए भी पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी सी और कम्प्रशन के क्वेशनं के लिए भी तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसने शुरू किया दिस सेलेक्शन ऑफ आर्टिकल आर्टिकल्स फ्राम वेरियस इशूज ऑफ द न्यूज़ ऑन संडे इसने यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देख ले सिकंदर अली इसके जो मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं फिर स्टूडेंट्स या यहाँ से इसके आर्ग्यूमेंट्स शुरू होंगे ये सेक्शन देख लें फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड अदनान दिल इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये स्टूडेंट्स इसके मेजर आर्ग्यूमेंट हैं, ये देख लें फिर आगे थर्ड इसके आर्ग्यूमेंट हैं, ये देख ले स्टूडेंट्स बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं या अथॉरिटीज हैं लेकिन वी आर कमिंग टू द मेन पॉइंट अगेन स्टूडेंट्स ये देख लें फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान इमर्जिंग डायनेमिक्स इशूज एंड प्रोस्पेक्ट्स ठीक है ये आपके पाकिस्तान अफेयर से भी रिलेटेड है करंट अफेयर से भी रिलेटेड है और ऐसे से भी रिलेटेड है लेकिन हियर आवर कंसर्न इज सी एस एस पी एम एस एस ए स्टूडेंट्स देख लें प्री एंडिपेंडेंस इवोल्यूशन एंड डिवेलपमेंट डेमोक्रेसी से रिलेटेड है गवर्नेंस से रिलेटेड है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड है ऐसे के परस्पेक्टिव में बाकी पाकिस्तान अफेयर्स पोलिटिकल ऐल्यूशन डेमोक्रेटिक ईल्यूशन करंट अफेयर्स पाकिस्तान पोलिटिकल स्ट्रक्चर इस पर ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, या आप स्टूडेंट्स ये देख लें now students i am coming to the point again issues in pakistan's economy s akbar zaidi written by s akbar zaidi ya students why A reading of authentic credible and recommended books is important Students, it is important because they provide you with first hand knowledge, critical information, verifiable concepts, and above all, reading authentic books results in creating suspense and interest in your writing. Students, due to uh, time shortage, मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड की नेक्स्ट इन डिटेल के साथ हूँ बुक्स के हवाले से इनके रीडिंग्स के हवाले से आई विल एजुकेट यू टिल अल्लाह अलाफे सी यू इन द नेक्स्ट सेशन